मुखिया के ढेकवारा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने शुक्रवार को ग्राम प्रधान और खंड विकास कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों पर आवास योजना से वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि बस्ती में अधिकांश गरीब मजदूर तबके लोग निवास करते हैं जो काफी गरीब है। आरोप है कि गवई राजनीति और वोट ना देने का खामियाजा इन गरीब पात्रों को उठाना पड़ रहा है जो खपरल और झोपड़ी में किसी तरह जिंदगी का गुजारा करते हैं। पीड़ित जगन्नाथ रमेश ने बताया कि वह जब भी प्रधान से अपने आवास बनवाने के लिए कहते हैं तो वह कहते हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया है इसलिए हम तुम्हारा कोई कार्य नहीं करेंगे। यही हाल रमेश की पत्नी रीता देवी ने बताया कि आवास के बारे में जब हम प्रधान से बात करते हैं तो प्रधान कहते हैं तुम्हारा कोई आवास और कोई शौचालय नहीं बनाएंगे। पीड़िता ने बताया कि हमारे सिर पर छत नहीं है, घर पर छप्पर पड़ा हुआ है, घर मिट्टी का बना हुआ है, बारिश में घर में रुकना दुश्वार हो जाता है। कहा कि बारिश और ठंड के मौसम में बहुत ही काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रीता देवी ने आरोप लगाया कि आवाज के लिए ग्राम प्रधान के यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद प्रधान को रहम नहीं आता। कहा कि प्रधान कहते हैं कि बजट नहीं आया है, जबकि सच्चाई यह है कि अपने चहेते लोगों को आवास शौचालय नाली खड़ंजा से लाभान्वित करते हैं, लेकिन हमारे बस्ती में तो उलटकर भी नहीं देखते। विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खंड विकास अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से जांच कर बस्ती में आवास से वंचित पात्रों की सूची बनाकर उन्हें आवास योजना में शामिल करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान जगन्नाथ रमेश राजेश कुमार शिवपति अनिल शशि श्री प्रकाश रामरतन शकुंतला विमला देवी आरती मीरा देवी शीतल आदि मौजूद थी। ओके फसा जाना की ये हो ये हो तो एक जोड़ बात दूसरे का कोई जोर से ही चलत हूँ प्रधान जी। मतलब आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हम कुछ आवास आवास आपको मिल जाए। हाँ मगर प्रधान जो है कहते हैं कि आप वोट नहीं दिए आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिले आप देख लीजिए सामने देखिए ना देख लीजिए जी कौन सुविधा हम लोग के सुविधा है तो सामने आप लोग देख लीजिए जी कौन है मड़ई है हम लोग जब अमन घेरे लगल तो हम भाग के गनी जा के तो हमर का जान बच जाए मगर अब तक ले आपको कोई आवाज नहीं मिला कुछ नहीं।